हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक अगेन बेटा। आप पढ़ लिया सी एबायोटिक फैक्टर्स। आज आप हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम स्ट्रक्चर। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर नू अगर पहचानना है तो सब तो पहला सानू स्पीशीज के बारे जानना पैना है। स्पीशीज कंपोजिशन, स्पीशीज कंपोजिशन बेटा की होंगी है कि यू असी कंपोजिशन स्पीशीज दी नू स्टडी कर सकते हैं थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमीरेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब कि एक इकोसिस्टम दे विच जिन्ने भी प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट है उन्हां दा एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन गणना करके एनालिसिस करके असी स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ दैट इकोसिस्टम दस सकते हैं। हुण एक इकोसिस्टम तो दूसरे इकोसिस्टम दे विच स्पीशीज कंपोजिशन जिहड़ा वह वेरी करेगा। ये क्यों वेरी करेगा? हुण ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स जिहड़े असी पिछे पढ़े ही आ, जोग्राफिकल हो गए, टोपोग्राफिकल हो गए, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए। अगर असी डेंस फॉरेस्ट की गल करिए, सपोज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या कोई भी फॉरेस्ट आ, तो बेटा जब असी उहदी गणना करांगे तो हो सकता है कि रेन फॉरेस्ट दे विच सब तो ज़्यादा स्पीशीज कंपोजिशन मिले। स्पीशीज मतलब कि वड्डे ट्रीज मिल गए, कुछ हज़ार मान लो वड्डे ट्रीज आ, हज़ार वैराइटीज श्रब्स दी आ, है ना। दैन हर्ब्स हो गए, फिर जिहड़े इहनां विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होणगे, असी एनिमल्स की गल नहीं करते। सेम वे कोरल रीफ्स जिहड़ी आ उहदी स्पीशीज कंपोजिशन अलग होएगी। तो किसी एरिया दे विच पूरी धरती ते किसी एरिया दे विच मैक्सिमम स्पीशीज कंपोजिशन होएगा, स्पीशीज की गिनती ज़्यादा होएगी, और कुछ जिहड़े एरियास हैगे आ उत्थे मिनिमम होएगी। ये डिपेंड करेगा। फिर सैकेंड जिहड़ा फैक्टर हैगा आ उह स्ट्रैटिफिकेशन आ। स्ट्रैटिफिकेशन बेटा की हुंदा आ कि जिवें हुण फॉरेस्ट आ, सपोज जे कोई बहुत घना फॉरेस्ट आ तां उहदे विच इस तरह तुसीं देखोगे तां इदां विच विच रास्ते बने हुंदे आ। सपोज ट्री आ, फिर इत्थे ट्री आ, या इत्थे श्रब आ, इत्थे श्रब आ, तो इस तरह लेयर्स बनिया हुंदियां। तुसी किसी भी फॉरेस्ट जाके देखोगे तो थानू मिलना ही है इदा। अगर तुसी ग्रासलैंड जाओगे तो भी थानू इदा आड़ा जिहियां छोटिया छोटिया पगडंडियां जिदा कह सकते हैं इदा मिलदियां है। ये जिहड़ियां लेयर्स डेवलप हो जांदियां आ इहनू असी कह दिंदे आ स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है बेटा। हुण जिदा फॉरेस्ट की मैं गल की है कि डेंस फॉरेस्ट के विच पांच तो सत्त लेयर्स मिल सकदियां आ, थानू एदा पगडंडियां बनिया हुई किसी च पंद्रह भी मिल सकदियां आ, तो वो सारे स्ट्रैटिफिकेशन आ। ये भी इकोसिस्टम दे स्ट्रक्चर नू अफेक्ट करता है, या जदों असी इकोसिस्टम दा स्ट्रक्चर देखना आ तो स्ट्रैटिफिकेशन असी जरूर डिस्कस करना है, क्योंकि इस तो ही सानू पता लगता है कि किन्नी इकोसिस्टम जिहड़ा है वो डेंस है, है ना। मान लो रेयर जिहड़े इकोसिस्टम्स है जिवें डेजर्ट वगैरह, उत्थे स्ट्रैटिफिकेशन हो सकदा ना होवे, लेयर्स वगैरह डेवलप, पर बाकी जगह थानू डेंस एरियाज थानू जरूर मिलेगी। इस तो ही पता चलता है डेंस मतलब घना जंगल असी कह दें ना, वो इतों पहचानते इकोलॉजिस्ट कि किन्ना डेंस हो सकता। फिर इस असी स्टडी करना है ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। ये तो आप रोज़ ही पढ़ते हैं। फूड चेन मैं हुणे ही गल की, फूड वैब, ग्रासलैंड अलग तरह की फूड चेन होएगी, है ना, फॉरेस्ट अलग तरह की, इक्वैटिक इकोसिस्टम अलग तरह की। फिर बेटा नैक्सट जो स्ट्रक्चर असी पढ़ना है स्टैंडिंग क्रॉप। हुण स्टैंडिंग क्रॉप की हुंदा है? जेड़े प्लांट्स लिविंग थानू इदा दिख रहे हैं खड़े, चाहे हर्ब या चाहे श्रब या, ये सारे हो गए लिविंग बायोमास ऑफ दैट एरिया या ऑफ दैट इकोसिस्टम। हुण इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया किन्ने लिविंग प्लांट्स खड़े आ,
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋਪ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਏ ਦੋ ਲੈ ਲਏ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਫਰੈਸ਼ ਵੇਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਲੈਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਘੂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰੈਸਟ ਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੈਂਬਰਸ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਡਾਰਕ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੋਇਲਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਓਵਨਸ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਥਰਮਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰਸ ਵਗੈਰਾ। ਫਰੈਸ਼ ਵੇਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਨਾਈਟ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਰਾਈ ਵੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਡਰਾਈ ਵੇਟ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਵੇਟ 'ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਆਇਆ ਉਹ ਬਾਇਓਮਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋਪ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਟ ਸੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਔਰਗੈਨਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਆ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋਰੀ ਸੋਇਲ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਔਰਗੈਨਿਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਟੂ ਸੀਜ਼ਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰਸਾਤੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੋਣ ਸੋਇਲ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਹੈ ਨਾ ਗਰਾਸ ਲੈਂਡ 'ਚ ਘੱਟ ਹੋਣ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਏ ਬਾਇਓਟਿਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸ ਅ ਯੂਨਿਟ ਵਿਦ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬੈਲੈਂਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੇ ਆਪੇ ਡਿਸਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਫੈਕਟਰਸ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਹੁਣ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਟਵੇਕਸ ਆ ਲੀਵਸ ਆ ਇਹ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਇੱਥੇ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲੇ ਇਹ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਊਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਈ। ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੋਇਲ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਗੇਨ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸੋਇਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਮਿਲਣਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਫਲੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ ਸੋਰੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰ ਵਧਣਾ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ। ਐਨਰਜੀ ਫਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਆ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਖਾਂਦੇ ਆ ਹਰਬੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਨੂੰ ਟੋਪ ਕਾਰਨੀਵੋਰਸ ਖਾਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਐਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਐਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਐਨਰਜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਈ ਕੁਛ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ 10% ਐਨਰਜੀ ਲਓ ਕਿ 10% ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪੌਂਡ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪੌਂਡ 'ਚ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟਸ ਪਲੈਂਕਟੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਐਨੀਮਲਸ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ੂ ਪਲੈਂਕਟੋਨਸ ਫਾਈਟੋ ਪਲੈਂਕਟੋਨਸ
छोटे एनिमल्स नू कौन खाएगा, बड़े एनिमल्स उन्हां नू अगर क्रोकोडाइल होया पॉन्ड च तां क्रोकोडाइल खाएगा, नहीं तां ऐदां ही गिव टेक प्रोसेस जिहड़ा फूड चेन चली जानी है एक्वैटिक इकोसिस्टम च, है ना। हुण सनलाइट पहुँचूगी तां उह फाइटोप्लैंकटॉन्स अपना फूड आप प्रिपेयर करनगे, बायोटिक कंपोनेंट्स उत्थे भी सेम ही रहने, प्रोड्यूसर कंज्यूमर टॉप कंज्यूमरस, है ना। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स भी उही जिहड़े असीं हले पढ़े आ उन्होंने रोल प्ले करना है। सो ये हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम। हुण पॉन्ड इकोसिस्टम तो बाद असीं जिहड़ा स्टार्ट करना है वो हैगा आ सॉरी फिर आ जाते हैं बेटा फंक्शन ऑफ पौंड इकोसिस्टम। ये तो तुम्हें पता ही है क्यों पौंड बनना ज बनया या उत्थे की ऑर्गेनिज्म जड़े डेवलप होए उन्हां दा की रोल या प्रोडक्टिविटी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किद्दां बधी ऑर्गेनिक मैटर किद्दां बधिया ये तो पता ही है। पौंड हुण जिहड़े फाइटोप्लैंकटन जो प्लैंकटन सो मरणगे नीचे ही बॉटम ते सैटल हो जाने या डीकंपोज होके उन्होंने ऑर्गेनिक मैटर वधा देना उत्थे दा, है ना, नवे प्लांट्स ग्रो हो जाने हैं। फिर गल करिए प्रोडक्टिविटी की, ये तुसी बस एक बारी पढ़ के टॉपिक छड़ देना है क्योंकि प्रोडक्टिविटी तो थानू पता ही है रोज़ ही असी पढ़ ही रहे हैं। हुण कल परसों भी अज भी पढ़िया है कि हर इकोसिस्टम की अपनी प्रोडक्टिविटी होएगी, जिन्ने उत्थे फैक्टर्स एफिशिएंटली रोल प्ले करेंगे प्रॉपर रोल प्ले करेंगे उन्नी वो प्रोडक्टिविटी जी है इनक्रीज होगी। हुण जे असी गल करिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो जिन्नी एनर्जी ग्रीन प्लांट्स के अकमुलेट होंगी है तो फिर असी बायोमास तो एनर्जी डिटेक्ट कर सकते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम या ओवर पीरियड ऑफ टाइम असी कह सकते हैं ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। फोटोसिंथेसिस नाल ही होनी है, है ना, जिहड़े एनर्जी तो कट्ठी ये हुण इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस प्राइमरी ते नैट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इहदा फुल फॉर्म भी जरूर याद रखना है, GPP पुछ लैंदे आ 1 मार्च की हुंदा है। सो टोटल जिहड़े ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड हुंदा है बाय प्रोड्यूसर्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट टाइम एंड एरिया, इनू तुसी ऐं डेफिनेशन याद रखनी है। जिन्ना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसर्स या प्लांट्स ने सिंथेसाइज किया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम उनू असी कह देने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नैट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जिहड़ा स्टोर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, मतलब प्रोड्यूसर्स ने अपने अंदर ऑर्गेनिक मैटर किन्ना स्टोर करके रखा है इन अ यूनिट एरिया वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, जे इक्वैटिक है तो वॉल्यूम हो जाना है, ठीक है। ये हो गया नैट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर जे असी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की गल करिए रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमरस, इस नोन प्लांट्स नो किने खादा हर्बीवोर्स ने, हुण ये किन्नी एनर्जी अपने विच सिंथेसाइज कर दे ओ फूड खा के, दैट इज़ उनू असी कह दें सेकेंडरी। ऐदां ही हुण जदों इन्हां नू कार्निवोर्स ने खाना इन्हां दी टर्शरी हो गई, है ना, फिर क्वाटनरी जिहड़े टॉप कार्निवोर्स लायन वगैरह ने जिहड़ी खा के एनर्जी स्टोर करनी है या एनर्जी सिंथेसाइज करनी है। फिर रेस्पीरेशन हुंदा है, रेस्पीरेशन दे दौरान भी जिहड़ी एनर्जी आ उह यूज़ भी हुंदी आ, अकमुलेट भी हुंदी आ ते डैमेज भी हुंदी आ, वो सारे फैक्टर्स जिहड़े आ काम करदे आ। सेम वे मॉइस्चर न्यूट्रिएंट्स ते फोटोसिंथेसिस किन्ना ये भी रोल प्ले करदे आ, किन्ना मॉइस्चर हैगा या किन्ना फोटोसिंथेसिस होया ये लाइट ते डिपेंड करेगा। न्यूट्रिएंट्स मैं पहले ही दस्या है कि इंपॉर्टेंट आ, इन्हों की डेफिशिएंसी भी नुकसानदायक है, एक्सेस भी नुकसानदायक है, तो किन्ने न्यूट्रिएंट्स डीकंपोज हो के उस इकोसिस्टम के अंदर गए सॉयल होया या पानी होया, वो डिपेंड करेगा इकोसिस्टम नू मेनटेन करने।
फिर बेटा डीकम्पोजिशन थानू पता ही है कौन करते हैं डीकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर जड़ा गिरदा है जिदा पत्तियां वगैरह ट्विग्स हो गई फ्लावर दे जड़े सुक के पैटल्स वगैरह गिरदे हैं मिट्टी, उन्होंने तो असं कह दें ऑर्गेनिक मैटर लीटर हो गया वह। फिर उन्होंने डीकम्पोज कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो हो गए डीकम्पोजर्स, है ना। ते ऑर्गेनिक रिमेन्स जिहड़े डेड प्लांट्स एनिमल्स रिमेन्स एक्सक्रीटा उन्हों का हो गया वह हो गया डिट्राइटस। हुण यह दो तरह का हुंदा अबव ग्राउंड ते बिलो ग्राउंड, जिहड़ा उपर ही प्रेजेंट हुंदा है जिदा लीफ लीटर वगैरह जो भी गिरिया है वह अबव हो गया डीकम्पोज हो के मिट्टी के अंदर जिहड़ा मिले वह बिलो ग्राउंड हो गया। फिर डीकम्पोजर जिहड़ा आ यह रीसाइकलिंग ऑफ बायोजियोकैमिकल, मैं पहले ही दस्या से न्यूट्रिएंट्स ते रीसाइकलिंग च डीकम्पोजिशन हेल्प करती है। बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस, फ्रैगमेंटेशन मतलब आ जड़े गिरे या पत्तियां इन्हों कौन तोड़ ताड़ के तोड़ूगा, तो डीकम्पोजर्स तोड़ते हैं उन्होंने डिट्राइटिवोरस कहते हैं, टर्माइट स्यूक हो गई थोड़ी है ना, अर्थवॉर्म हो गए बीटल्स हो गए, यह लार्जर पत्तियां पत्तियां ते पीसिस ते सर नू खांदे आ ते छोटे टुकड़ियां च तोड़ देंदे आ, यह अंदर इन्हां दे जाके डाइजेस्टिव ट्रैक च जाके ये पल्वराइजेशन मतलब डीकम्पोजिशन या होर छोटे पार्टिकल्स टुटदा आ। ते कुछ जड़ा या ये वेस्ट मटीरियल जदों बाहर कढ़ दे अनडाइजेस्टिड हुंदा है वह मिट्टी च मिल के फिर ती जड़े न्यूट्रिएंट्स या अर्थफॉर्म वगैरह उत्थे प्रेजेंट हुंदे आ उन्हां नूं होर डीकम्पोज कर देंदे आ मिट्टी च मेल मिला देंदे आ, तां ही अर्थफॉर्म नूं फार्मर्स ऑफ फ्लावर्स फार्मर्स फ्रेंड भी कहिंदे आ। तां इहदे नाल सॉयल च न्यूट्रिएंट्स भी वधदे आ, फर्टिलिटी भी इनक्रीज हुंदी आ, ते सॉयल जिहड़ी आ लूस हो जांदी आ पोरस हो जांदी आ। सेम वे कैटाबॉलिज्म डीकम्पोजर जिहड़े आ वह डाइजेस्टिव इंजाइम्स वगैरह डिट्राइटस ते कट है ना डीकम्पोजर्स जिहड़े हैगे आ ओह वेस्ट मटीरियल जिहड़ा बाहर कढ़दे उहदे विच डाइजेस्टिव इंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट हुंदियां आ, फिर वह इनसॉल्युबल कॉम्पलैक्स मटीरियल्स नूं ऑर्गेनिक सबसटांसिस या सिंपलर सबसटांसिस चेंज कर दें, इनू असी इमोबिलाइजेशन कहने। इन द मीन टाइम अगर बारिश हो जाती है या उत्थे पानी आपां पा दिंदे आ तां लीच हो के मतलब रिस के उही न्यूट्रिएंट्स जिहड़े आ डीप इनटू द सॉयल चले जाते हैं, तो सॉयल की फर्टिलिटी न्यूट्रिएंट्स जिहड़ी आ वो ग्रो कर इनक्रीज हो जाती है। डीकम्पोजिशन दे नाल दो प्रोडक्ट्स बनते ह्यूमस ते न्यूट्रिएंट्स, जेड़ा पूरी तरह हले नहीं गलदा सड़दा मिट्टी च नहीं मिलता वह ह्यूमस हो गया, जदों मिट्टी च रल जाना वो हो गया न्यूट्रिएंट्स। इस प्रोसैस नूं ह्यूमीफिकेशन ते मिनरलाइजेशन कहिंदे आ, ह्यूमीफिकेशन जिहड़ा आ ह्यूमस दा फॉर्मेशन और ये डार्क हुंदा एमॉर्फस हुंदा है ना, देखिया तुसीं जदों मिट्टी नूं थोड़ा जिहा खोद दो तां थोड़ी उपर नालों डार्क हुंदी है क्योंकि उस च ह्यूमस वगैरह मिल के उहदा कलर डार्क हुंदा है। फिर ह्यूमस च लिगनिन सैलुलोस हुंदा है तां तुसीं क्रैम कर लेना आ। मिनरलाइजेशन केड़े केड़े मिनरल्स मिलते हैं, कैल्शियम मैगनीशियम ये आप पढ़िया भी है पिछे हमने, सो ये हो गया डीकम्पोजिशन। फिर यह सारा तो साइकल दे थ्रू ही थानू एक्सप्लेन किया है, सो इनू तुसी पढ़ लेना की हुंदा है। दैन डीकम्पोजिशन लई भी बेटा प्रॉपर फैक्टर्स हुंदे आ, यह भी देखो टैंपरेचर मॉइस्चर पी एच कंपोजिशन एरोबिक एनोबिक, जिहड़े बैक्टीरिया हुण ऑक्सीजन की प्रेजेंस या लाइट की प्रेजेंस च डीकम्पोजिशन करनगे उन्हां नूं लाइट चाहिए ऑक्सीजन चाहिए आ, जिहड़े एनरोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जिहड़े काम करदे आ उन्हां नूं ऑक्सीजन या लाइट नहीं चाहिए डार्क नहीं चाहिए। सो ये सारे फैक्टर्स अगर होणगे प्रॉपर टैंपरेचर मॉइस्चर तां ही डीकम्पोजिशन भी प्रॉपर होएगी।
मान लो हम लीटर वगैरह गिर गया, पत्तियाँ गिर गईं या ट्विक्स गिर गए, ऑर्गेनिक मैटर तो बहुत सारा पे आया, पहाड़ आ गया, बह गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना काम नहीं कर पाएंगे। सो फैक्टर्स जो प्रॉपर चाहिए हैं फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डीकम्पोजर्स, है ना। हाँ बेटे, ये तो जस्ट मैं थानू वैसे दसता है कि किवें डीकम्पोजर्स रोल प्ले करते हैं। पत्तियाँ तो अस खा गई सुंडी, है ना, मिट्टी च मिल गए, एक्सक्रीटा दे थ्रू नवे प्लांट्स पैदा हुए, हाई ऑर्गेनिक मैटर्स, इनू तुसी जस्ट देख लियो। ये जड़े लास्ट वाला टॉपिक सीगा प्रोडक्टिविटी वगैरह, इनू तुसी वैसे ही ध्यान रखना है। हुण आपां नैक्सट च स्टार्ट करांगे फूड चेन वगैरह, ट्रॉफिक लैवल्स वगैरह। ये कह लो 1.5 पार्ट ऑफ द चैप्टर ये कंप्लीट हो गया। कीप रिवाइजिंग, गुड बाय।